हाय माय फूडी फ्रेंड्स। तो आज ना हम बनाएंगे एकदम शादियों जैसे चावल, खिले खिले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम घर में चावल बनाते हैं तो चावल तो बहुत अच्छे वाले होते हैं, लेकिन चावल चिपक जाते हैं या फिर टेक्सचर अच्छा नहीं आता या फिर बहुत ज़्यादा गीले बन जाते हैं। तो आज ना हम एकदम खिले खिले परफेक्ट मेजरमेंट से चावल बनाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें तो एक ग्लास के करीब मैंने अच्छे वाले चावल लिए हैं। तो उसको हमें एकदम क्लीन वाटर से यहाँ पे वॉश कर लेना है। अगर आपके चावल ज़्यादा गंदे होता है आप 2 से 3 पानी भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा गंदे नहीं है इसलिए मैं 1 पानी से यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। तो हमारे गंदे पानी को हम निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद अच्छा पानी रख दे और 15 मिनट इसे रेस्ट करने दे प्रॉपर। तो 15 मिनट हो गए हैं और हमने वो भी पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं। तो अपना दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाइए और इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास के करीब पानी। तो मैंने 1 ग्लास के करीब चावल लिए थे, उसी ग्लास से 1.5 ग्लास के करीब पानी डाला है। तो पानी का मेजरमेंट आपको यही रखना है। तो पानी हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल पानी में तभी ऐड करना है जब हमारा पानी एकदम प्रॉपर अच्छे से उबल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से उबल गया है। तो बस इस समय हम हमारे जो चावल है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम हमारे सारे के सारे चावल ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी चावल पीछे नहीं रहने चाहिए। तो इतनी देर ना गैस का फ्लेम हाई था, तो अब इस स्टेज पर हमें कर देना है गैस का फ्लेम लो। तो लो फ्लेम पर ना अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब घी। ये जो पार्ट है आप ज़रूर से यूज़ करें, इससे ना हमारे जो चावल है वो बहुत ज़्यादा स्मूद और मतलब शाइनी बनेंगे और उनका जो टेस्ट है वो मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब टेस्टी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाला ज़रूर ट्रिक यूज़ करें आप। तो अब ना लो फ्लेम पर हम हमारे चावल को 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो अब ना चावल धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पक गए हैं, पानी भी सारा ऑब्जर्व हो गया है। 2 से 3 बार मैंने ढक्कन उठाकर भी देख लिया था, तो आप भी ज़रूर देखें। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि शादियों जैसे चावल बनाएंगे एकदम खिले खिले, तो आप देख सकते हैं कि एकदम शादियों जैसे बने ना हमारे चावल खिले खिले, एकदम परफेक्ट चावल यहाँ पर बनकर तैयार है। आप ज़रूर से बनाएँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएँ कि रेसिपी कैसी लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।